कपूर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सब्जी व्यवसायी के सूने मकान में चोरों ने धावा बोला और 2.5 लाख रुपए नकदी सहित 4 लाख रुपए के जेवरात चोरा के ले गए। मकान का रोशनदान उखाड़ कर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। व्यवसायी की दादी की तबीयत खराब होने पर परिवार उड़ीसा गया हुआ था और उसी दौरान ये पूरी वारदात हुई। अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र इलाके के बेचन कॉलोनी की घटना है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ मनोज कुमार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। मनोज, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? मनोज, आवाज आ रही है? हेलो मनोज, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मनोज, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मनोज मेरी? जी। मनोज, क्या कुछ पूरा मामला और फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? मामला अंबिकापुर बेचन कॉलोनी का है, जहां एक पर सब्जी व्यवसायी का परिवार की दादी का तबीयत खराब होने के बाद उड़ीसा गए थे सब परिवार। वही सुने घर का फायदा उठा गया, जहाँ चोरों ने 2.5 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के जेवरात को पार कर दिया गया, जिसकी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो अब फिलहाल देखिए, जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, जब आसपास का कोई क्या सीसीटीवी फुटेज भी सामने निकल के आ पाया, इस बारे में कोई जानकारी मनोज? नहीं, अभी तक किसी प्रकार का सुराग में नहीं लगा, किसी भी प्रकार का सीसीटीवी फुटेज अभी नहीं आया है। ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर सब्जी व्यवसायी के सूने मकान में चोरों ने धावा बोला और ये धावा बोलते हुए 2.5 लाख रुपए नकदी और 4 लाख रुपए की जेवरात चुरा के ले गए। मकान का रोशनदान तोड़कर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। और आपको बताया कि व्यवसायी की दादी की तबीयत खराब थी, उनको उनकी तबीयत खराब होने पर उनका परिवार उड़ीसा गया हुआ था और उसी दौरान चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया।